हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंडी रिएक्शन। आज हम एक और वीडियो देखेंगे, दैट इज़ अबाउट नवी मुंबई। तो नवी मुंबई के हम कुछ सिनेमैटिक्स देखेंगे। रिसेंटली हमने कौन से देखे थे, नासिक के देखे थे। दैट वाज रियली ब्यूटीफुल प्लेस नासिक। अगर हमने नहीं देखी तो भाई ये ऊपर लिंक आ जाएगा, ज़रूर देखें, वरना चैनल पर जाकर ढूंढ लो, थोड़ी सी मेहनत करो। लेट्स सी दिस वीडियो और फिर देखते हैं कि नवी मुंबई कैसी है। बहुत पहले हमने मुंबई देखा था, मुंबई की स्काई लाइन वॉज ब्यूटीफुल। सो लेट्स सी वट इज न्यू इन नवी मुंबई। और चैनल सब्सक्राइब कर लो यार अगर आप नए हैं। हियर कम्स नवी मुंबई। नवी मुंबई सिचुएटेड इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ओके, सो दिस इज ए वेरी वेल प्लान्ड एंड वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। अभी तक की बिल्डिंग्स तो बड़ी प्यारी हैं। सेल्फ सफिशिएंट बिजनेस है। ओके, वेरी हाई राइज बिल्डिंग्स एंड वेरी नाइस इंफ्रास्ट्रक्चर। Into two parts, North Navi Mumbai and South Navi Mumbai, and this is beautiful. Okay. Sustainable infrastructure, planned city and very well developed with some greenery, beautiful. Metros, trains. World class infrastructure for you. Oh, nice. IKEA. This is beautiful. ये कौन सी जगह है? एयरपोर्ट। अभी ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट है। बहुत प्यारा है। ये गोल बिल्डिंग भी कौन सी है? विद फ्लैग। ये कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग लग रही है, नेशनल इंपॉर्टेंस की कोई बिल्डिंग। ओह नाइस, ये भी पैक जगह है। ऑलराइट, हाँ, स्पोर्ट्स एरिया, सिटी ब्रांड कंस्ट्रक्ट ऑल द रेलवे स्टेशन रोड एंड पब्लिक सर्विस इन नवी मुंबई। ओके, ओ ब्यूटीफुल ग्रीनरी प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट्स व्हाट आई लाइक। I love them so much. We need plan to create affordable housing for people who are going to go to the station. Special economic zone and production is there. That's good. Economic zones are good. Development is very important. Okay. Okay. Oh wow, ये last view बहुत प्यारा था। That was really beautiful. और हाँ भाई, सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया अभी तक तो। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, अगर आप इस चैनल को जाकर मजीद वीडियोस भी देख सकते हैं। बट ये बिल्कुल हट के था, मतलब जो हमने मुंबई की वीडियो देखी थी दैट वाज डिफरेंट। ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट जगह है, जैसे एक नया वेल प्लान्ड न्यू अलग से सिटी और वेरी वेल डिवेलप्ड, वेल वेरी वेल इक्विप्ड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर। हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा देखने को मिली यहाँ पे। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें नज़र आया, वो जो राउंडेड शेप में बिल्डिंग थी विद इंडियन फ्लैग, वो मुझे लगता है कुछ स्पेशल जगह थी। उसके बारे में नीचे नहीं लिखा हुआ था, सो वो कौन सी जगह थी, डैट लुक्ड सम वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। उसके अलावा वाटर, ग्रीनरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट्स वॉट यू नीड फॉर सर्वाइवल। ये मेरा ख्याल है तीन चीज़ें कंबाइंड हों तो एक बहुत ही प्यारा सा लिविंग हैबिटेट बनता है, और वही ये जगह नज़र आ रही थी। और अभी नासिक देखा मैंने, ये वीडियो देखी, तो मैं कह रहा हूँ यार सिटीज़ आर ब्यूटीफुल। सही बात है, मतलब हम समटाइम बहुत सारे ऐसी जगहों पर रह रहे होते हैं जो हमें रियलाइज़ नहीं करते कि यार कितनी ब्यूटीफुल सराउंडिंग में हम रह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये भी उतनी ही प्यारी जगह है, और जो रह रहे हैं वहाँ पर रेगुलरली शायद उनको एहसास भी ना होता हो। खैर, जो लास्ट व्यू दिया ना माउंटेन्स के अंदर से वो सिटी, और दैट वॉज ब्यूटीफुल। मतलब और क्या चाहिए, यही तो होनी चाहिए जगह में, माउंटेन्स, ग्रीनरी, वाटर
एंड देन अ वेरी वेल डिवेलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट्स ऑल। और इंसान को यही चाहिए सिटीज़ में, इसके अलावा और क्या चाहिए। और वो सारा कुछ नज़र आ रहा था, दिस वॉज अ ब्यूटिफुल प्लेस नवी मुंबई। इस वीडियो में जो कुछ दिखाया वो सारा बड़ा अट्रैक्टिव, बहुत वेल डिवेलप्ड और बहुत अच्छा था। और ऐसे लग रहा है कि बड़ा वेल प्लान्ड किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है। और उसी तरह से और ये हाई राइज बिल्डिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा पसंद है। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इन्हें, ये पाकिस्तान में बहुत कम है। सो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता मुझे, कितनी हाई राइज बिल्डिंग फ्लैट्स और मतलब बहुत ज़्यादा लोग बहुत कम जगह के ऊपर वो रह सकते हैं एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड के साथ। और मीन वेल हमारी बहुत सारी लैंड जो है वो ग्रीन रहती है, वो हम हाउ घर कंस्ट्रक्ट कर करके, अलग अलग घर कंस्ट्रक्ट कर करके अपनी सारी जगह पे कोनी फैला देते। ये बहुत अच्छी जगह चीज़ मुझे लगती है जो कि इंडिया में बहुत अच्छी जा रही है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी तक लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से बस फैल रहे हैं सिटीज़ और बहुत सारी हमारी एग्रीकल्चर एंड ग्रीन एरियाज़ वो सारे बस कंक्रीट होते जा रहे हैं। सो यू गाइज आर डूइंग रियली गुड। यार कौन कौन सा और बंदा है यार जिन्होंने ये पहले नहीं देखा हुआ, जिसने नवी मुंबई नहीं देखा भाई, क्यों नहीं देखा। अब इफ़ यू लिव नियर सच प्लेस तो ज़रूर जाएं, घूमें फिरें। मैं हमेशा जब भी ऐसी कोई वीडियो देखता हूँ कब भाई घर से निकलो, घूमो फिरो, ज़िंदगी इंजॉय करो, जितना भी आप लोग टाइम निकाल सकते हैं अपनी मसरूफियात में से घूमें फिरें और इन्जॉय करें। खैर ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट कौन सी वीडियो देखें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। See you guys in the next video. Till then, take care.